हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आ गए वापस से एक और नए वीडियो में, और हम काफ़ी दिनों से ऑफलाइन थे इस गेम में क्योंकि BGMI खेल रहे थे। अभी और भी वीडियोज़ आए के BGMI की। तो ये देखो, हमने एक और डंजन किया था, और आज मैं आपको एक ट्रिक दिखाने वाला हूँ कि हमारा कोई भी डायनो होता है उसको एरी डायनो कैसे करते हैं। तो हम ग्रिफिन को एरी डायनो करने वाले हैं। उसके लिए हमको किबल चाहिए होगा और टेक किबल प्रोसेसर चाहिए होगा उसके लिए। और इस वीडियो में आपको एलिमेंट भी कैसे डूब करते हैं वो सिखाऊंगा मैं। जो पुराने व्यूअर्स होंगे उसको पता ही होगा ये सब ट्रिकें, जो नए हो उसके लिए बता रहा हूँ। तो देखो, ये हमने पहले क्रॉनिकल कर दिया है हमारा जो ग्रिफिन था ना वो। तो आपको सबसे पहले तो सेव कर देना है, आपको यही ध्यान रखना है कि सेव डेटा कर दीजिए, नहीं तो नहीं करोगे तो आपका ग्रिफिन लॉस्ट हो जाएगा। क्योंकि ये जो होता है ना टेक कीबल, वो इम्प्लांट के बदले आपको कीबल बना के देता है। मतलब जिसका भी इम्प्लांट होता है ना वो उसको वो क्रश कर देता है और उसके बदले में आपको उसका कीबल बना के देगा। तो ये देखो, इसके लिए आपको दो ब्रोंटो के केबल लगेंगे। मतलब कोई भी लार्ज डायनो की दो केबल लगते हैं, अगर मीडियम या स्मॉल साइज के डायनो हो गए तो उसके ज़्यादा लगते हैं, 4-5 जितने। तो ये देखो, इस बार तो हुआ नहीं इसलिए हमने वापस दोबारा से रिस्टोर कर दिया। इसीलिए मैं बता रहा था कि सेव करके रख देने का आपको पहले से, ये ट्रिक अप्लाई करने से पहले। अभी ये तो बहुत टाइम लेगा, तो अभी देखते हैं कि कितने देर में होता है। एक बार और ट्राई करके दिखा देता हूँ आपको। और इम्प्लांट, ये एलिमेंट डालने का, और दो कीबल। तो ये देखो, ग्रिफिन का कीबल मिल गया है पर इम्प्लांट हमारा चला गया है। तो बहुत बार ट्राई करते रहना है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको इम्प्लांट भी मिल जाएगा और कीबल भी मिल जाएगा। तो वो देखो, स्किप कर देता हूँ वीडियो को। ये देखो, ऐसा लिखा हुआ आएगा कि इम्प्लांट भी रिटर्न हुआ है और ईरी ग्लो भी हो गया है इम्प्लांट के अंदर। मतलब आपका कोई डायनो है वो ईरी हो गया है डिस्कवर होने के बजाय। और ये देखो, कीबल भी मिल गए, और ये इसमें बहुत टाइम लगता है, 30-40 बार आपको करना पड़ेगा तब जाके ये होगा। मतलब 30-40 बार आपको सेव करके रिस्टोर करना पड़ेगा फिर से। और ये इसके अंदर मतलब वो भी सिलिक पे ही रिवाइव हो सकता था, तो इसलिए आ गए हम इसके यहाँ पे। और अभी देखना, हमारे वो ग्रिफिन है वो ईरी बन चुका होगा। तो ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। और ये चेन भी पहना देते हैं इसको। और अभी वापस बेस पर चलते हैं, एक और ट्रिक आपको दिखाने वाला हूँ वो एलिमेंट कैसे वो करते हैं ड्यूपिंग। और ये देखो, ये भी मिल गया था मेरे को डंजन में से। इसमें वेट की कैपेसिटी बढ़ जाती है हमारी। और ये आ गए वापस इधर पे, और दिखाता हूँ आपको कैसे वो ट्रिक करने का। तो आपको कम से कम 100 एलिमेंट लगते हैं इसके अंदर, क्योंकि दो टेक केबल प्रोसेसर बनाने पड़ते हैं, और एक टेक केबल प्रोसेसर 50 का बनता है, 50 एलिमेंट का। तो अभी देखो, पहले आपको 100 लेकर दिखाता हूँ। मतलब पहले दो दो ही बनाएंगे, और दो से आपको दिखा होगा कि 100 की बजाय हमको 130 वापस मिलेंगे हम जब वो ग्राइंडर में क्रश करेंगे ना। तो
और आपको ध्यान रखना है, एक नहीं बनाना, एक और दो से ज़्यादा नहीं बनाना, दो ही बनाने। और साथ में सीमेंटिंग पेस्ट भी रख देना है ग्राइंडर के अंदर। और इसमें करना ये होता है कि ग्राइंड जैसे ही दबाए उसके तुरंत ही आपको ये दबाना पड़ेगा ये कीबोर्ड प्रोसेसर के ऊपर। तो ये देखो ऐसा आ जाएगा, सीमेंटिक पेस्ट ग्राइंड करने को बोलेगा और नीचे टैग दिखा रहा होगा, टैग कीबोर्ड प्रोसेसर। और ये देखो 130 मिल गए हमको। और इसमें एलिमेंट भी कर सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक्स होता है ना वो भी डुपिंग कर सकते हैं। पहले इसको साइड में रख देता हूँ ताकि जगह हो जाए। और मैं आपको मेटल का भी दिखाऊंगा कि मेटल भी कैसे डुपिंग करते हैं। मेटल का करने के लिए दो ट्रिक होता है, एक तो पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा वो, और दूसरी तो सबको मालूम होगा कि वो होता है ना वो शॉकिंग ट्रैंक्विलाइजर डार्ट, उसको ग्राइंड करते रहने का, वो 15 जितनी शॉकिंग डार्ट लेने की और उसको ग्राइंड करते रहने का। पर उसके अंदर बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है हमको, और मैं जो दिखाऊंगा उसमें बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो देखो दोबारा ये करके दिखाता हूँ, पहले सीमेंटिंग पेस्ट पे, फिर ग्राइंड पे, और तो सीधे इसके अंदर, मतलब वो क्या बोलते हैं टैग प्रोसेसर के। और ये देखो वे मेटल के लिए आपको ये कैनन बोल लगेगी आपको, वो एक से ही दो बन जाएगा, मतलब एक ही बार में क्राफ्ट करेंगे तो दो बन जाएंगे और दो ही ग्राइंड करने का हमको। तो ये एक बार हम बनाते हैं ना ये कैनन बोल तो 80 मेटल लगते हैं मेटल इंगोट। और इसके अंदर देखना आपको कितने मिलते हैं, इसका भी वही सेम ट्रिक है, ग्राइंड करके तुरंत ही इसके ऊपर दबा देने का। तो देखो पहले मेटल इंगोट 2000 थे तो 2200 हो गए। और इसके अंदर सिर्फ ये मेटल इंगोट ही नहीं बल्कि ये ऑब्सीडन भी मिलता है और ये भी मिलता है हमको डुपिंग कर गन पाउडर, और साथ में सीमेंटिक पेस्ट भी मिल जाती। और थोड़ी और बना देता हूँ मैं, ये देखो ये स्पेशल स्मिथि आपको दिखाने के लिए लगा के रखा है कि कितने अमाउंट में चाहिए होता है सब। और इसके बाद आपको गन पाउडर भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके ये ट्रिक से बहुत सारे गन पाउडर हो जाएंगे। और आप चाहो तो ऑटो क्लिकर भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। ये देखो अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, अरे भाई सीमेंटिक पेस्ट में गलती से रख दिया, वो तो चाहिए होगा हमको ये ट्रिक करने की। तो ये देखो 100 हमने डाल दिया वापस, और ये देखो सीमेंटिक पेस्ट भी 50 प्लस हो गए और ये मेटल इंगोट भी 200 हो गए, मतलब 40 हमको ज़्यादा मिलता है मेटल इंगोट। और ये साथ में गन पाउडर और ऑब्सीडियन भी। तो मैं देखो आपको दिखाता हूँ कि वो ऑटो क्लिकर में कैसे करना होता है। तो ये देखो कोई भी ऑटो क्लिकर आपको यूज़ कर देना है, बस वो ये मल्टीपल वाला होना चाहिए। मैंने पहले से ये खेल रहा था गेम, तब से ये इंस्टॉल करके रखा था। और ये देखो हमने, मैंने जिस तरह ये लगाया हुआ है उसी तरह लगा देना है,
जहाँ पे 1A और जहाँ पे 2 नंबर होता है ना वो ग्राइंड पे रखना होता है, और 4 वाला फाइनल ग्राइंड करने के लिए दबाना पड़ता है ना वहाँ पे। और अभी देखो मेटल इंगोट नहीं है हमारे पास, और देखो अभी ये 30 पे रख देना है, फर्स्ट वाला होता है ना वो, ये 2 वाला 1 मिली सेकंड। फिर ये 3 वाला 100 मिली सेकंड, और ये 800 मिली सेकंड पर। तो अभी ऑन कर दिया हमने, वो ऑटोमेटिक वो ग्राइंड करता रहेगा। आप क्या बोलते हैं, ये टेक केबल प्रोसेसर होता है ना उसमें इस तरह से कर सकते हैं, पर आपको पॉज करना पड़ेगा बीच में, क्योंकि वो दो दो ही दो के स्टैक में करना पड़ता है। वो 2 से ज़्यादा हो जाएगा ना तो वो आपके एलिमेंट पे चले जाएगी। तो अभी देखो हमारे पास कितने सारे मेटल हो गए, अभी थोड़ी और बाकी है आपको दिखाता हूँ, ये पूरा हो जाए ना फिर। और ये गन पाउडर देखो, और अभी हो गए ये देखो कितने सारे मेटल और गन पाउडर भी मिल गए हमको, और ये ऑब्सिडियन भी। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो अभी ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एक और वॉल्ट बनाना पड़ेगा ये सबको रखने के लिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और ये देखो थोड़े और बना लिए थे हमने, तो इसको अभी हम उसी ट्रिक से ग्राइंड कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो।